चिकाटिलू, मैं तुम्हें सिंगापुर भेज सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है 50 लाख रुपए। अरे अब तो शाहरुख दे देना यार। अबे सोचो, अगर मेरे पास 50 लाख रुपए होता तो मैं सिंगापुर में अपनी दुकान ना खोलता, गुप्ता टी स्टॉल। हाँ रज्जू, ना नेकर ये रही बदमन उमर को बीट कर रहे, सीधे घरे आ रहे। आओ डरो, दीगुलट मनुहर जाने कहाँ रह गो। का हो गो, और तू कहाँ मर गो तू सारे, जब जब हम देखते तेरी सख्त जरूरत है, तू सारे टाइम पास करने चलो जाते हुए। अच्छा तुझको बारह लोग आएंगे कि ना, कहाँ टाइम पास कर रहे हो तू? अरे बहुत बड़ी अनहोनी हो गई है सर। सर कानपुर से लखनऊ जाने वाली AC 2-सीटर बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से शीशमपुर घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अरे करीब करीब 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी है सर। अरे ये सारे ड्राइवरन की वजह से, बताओ खाई में क्या गई बस? ये धीरे लट ड्राइवर ना मनुवर, कसम से कह रहे सारे पीपा के तो गाड़ी चलाते, और फिर पहाड़न पे जाएंगे सारे, रेस करेंगे, रेस लग जाती है ना, पहलो चला रहो दूसरो चला रहो, बताओ खाई में गिर गई। ओ दादा तू इतनू काहे रो रो, को अपनो हाथों का तेरो रिश्तेदार को अपनो ही कहो, अपना ही गया है सर। मुझे बहुत दुख हो रहा है आपको बताने के लिए, लेकिन उस बस में हमारी अनिता भाभी जी सफर कर रही थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। का नाम बताई? अनिता भाभी जी। ये अपने अपने मोहल्ला मॉडर्न कॉलोनी की जो गोरी मैम है, जो उनकी बात कर रहा हूँ का? एक सेकंड। नल्ला है जो मोहल्ला में, नल्ला की बीवी बस में जो खाई में गिर गई, हमें हमारी गो नहीं, मतलब जिन्हें मोहल्ला में हम प्यार से गोरी मैम कहकर पुकारते हैं, अनीता मिश्रा, मतलब भाई बस में गोरी मैम आती का? यस सर। हमने 70 बार गई, ये जो भाभी जी इतनी भाग दौड़ करती है ना, ये सारी भाग दौड़ आपको करनी चाहिए, ये काम आपको करना चाहिए, लेकिन आपके नल्लेपन की वजह से भाभी जी को ना चाहते हुए भी ये भागदौड़ करनी पड़ती है। वारी जी देखिए, बात ऐसी है कि अन्नू का खुद शौक है ये सब चीजें करने का। शी एंट अ घरेलू वुमन, शी इज अ वर्किंग वुमन। और दूसरी बात ये कि आप होते कौन है हमारे घरेलू मामले में दखल अंदाजी करने वाले? तू कौन? मैं जी खामखा। अरे बेटा कुछ लोगों की आदत होती है ऐसी कि दूसरे की थाली में झांक के देखना है कि इसके घर में क्या बना है, वरना चैन नहीं आता उन्हें। अब इस कच्चा बयान को देख ले, इसके घर में पंडित रामपाल क्या रास रचा रहा है इसे पता है क्या? आपको ज्यादा पतलून से बाहर नहीं निकल रहे चचा जी? आपकी पोल पट्टी अगर हमने खोल दी ना तो मोहल्ले से बाहर भागते नजर आएंगे आप। अबे मेरी क्या पोल खोलेगा तू? भाई मैं तो खुली किताब हूँ। तिवारी जी, आपको किसी की पोल पट्टी खोलने का कोई हक नहीं है, और किसी के निजी जिंदगी में झांकने झांकने का भी कोई हक नहीं है। अरे आप भी तो दखल देते हैं हमारे निजी मामलों में, देते हैं कि नहीं देते हैं? क्या देते हैं? हाय दिया चुप, काहे काहे जब देखो तब आप दोनों झगड़ते ही रहते हैं, प्यार से काहे ना रह सकते दोनों? अभी जी आप तो जानते हैं कि मैं प्रेम का पुजारी हूँ, मैं तो प्रेम की बातें करता हूँ, प्रेम की भाषा जानता हूँ, शेर व शायरी करता हूँ। तुमको पता है हमारी रसोई में आके बहुत पकाते हैं आप हमको शेर व शायरी से। अभी जी मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए। मुद्दा ये है कि आपके जो पति देव है ना, ये जहर मोरे हैं, ये इज अ टॉक्सिक मैन। आप कम है क्या? भाभी जी जो आपसे नफरत करती हैं,
कहती है किस गधे से पाला पड़ गया। अब नहीं जीने, अब नहीं जीने। अच्छुए खाली है। क्या हो गया कोनो? नोटबंदी फिर से तो नहीं हो गई? अरे हट! दरोगा अप्पू सिंह का नोट खिलाने जीतू है। नोटबंदी नहीं भैया, दीवारी बस भी बड़ो हादसू मर का ही नहीं गए। दारोगा जी, दारोगा जी, काहे इतना मैकेनिक हो रहे हैं आप? अबे जो पैनिक कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं। क्या हुआ, काहे इतना घबरा रहे हैं? एक तो काम कीजिए, पानी पियेंगे का? शांत हो जाइए और बताइए आपकी बीवी से झगड़ा हुआ कि वो कमीने सन साहब नौकरी से निकाल दिए? कमिश्नर साहब कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं, बोलिए ना क्या हुआ? दादा हमें कौन नौकरी से नहीं निकालू, असल बात यह डूब है हमारी गोरी हमाऊ जो मतलब है कि गोरी मैम जो बस से जा रही थी वापस खाई में गिर गई। अरे क्या अनु, अनु तो ठीक है ना? अरे इज शी ऑल राइट? भाभी जी तो ठीक है ना? उनको चोट वोट तो नहीं लगा है? अबे ये बता बहू है कैसी? गोरी मैम तो दुनिया में ना रही। और डॉक्टर साहब हुआ कहा है इन लोगों को? भाभी जी तिवारी भैया और विभूति भैया की तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, चाचा जी की हालत थोड़ी सीरियस है। चाचा जी को क्या हुआ, क्या हुआ, इतनी सीरियस क्यों है? क्या बताएं भैया, चाचा जी के हार्ट में ब्लॉकेज आ गए। हम कुछ समझे ना ही डॉक्टर साहब। जिस तरह पाइप में कचरा फंस जाता वैसे इनके दिल के पाइप में कचरा फंस गया। भाभी जी विभूति भैया सही कह रहे हैं। वैक्यूम क्लीनर से निकाल दीजिए ना, कचरे को सफा कर दीजिए। अरे पगली, वो किचन के पाइप में फंसा हुआ कचरा नहीं है, वो हार्ट के पाइप में फंसा हुआ कचरा है, उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ तो जब इतना सेंशियस है तो कर दीजिए ना। भाभी जी शायद आप सीरियस कहना चाह रहे हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी चाचा जी बुजुर्ग है ना, झेल नहीं पाएंगे, ये भी बोल सकते हैं। मुझे लगता है इनके पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत ज्यादा से ज्यादा एक साल बचा है। नहीं 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 नहीं, मैं ऑलरेडी अन्नु को खो चुका हूँ, मैं चाचा को खोना नहीं चाहता। अगर चाचा जी को खो दूंगा तो मैं खुद को खो दूंगा। भाभी जी आप तिवारी भैया को संभालिए, मैं इनको संभालता हूँ। शांति चाहिए।